मीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हूँ तफसील। कश्तवाड़स मंज आज तमि सात ज मौसूम तलबात जामबाग सपुजम ये सड़क हादसे पेश आव वन मगल मैदान कश्तवाड़स मंज आज जलबात स्कारपियो गाड़ी हंदिस जदस मंज हना आमच यम कि दशवे जामबाग सपज ये जन अ दौरान गाड़ी हूँ ड्राइवर तो मजीद ज मुसाफिर जख्मी सपद जामबाग सपुजमचन कोरन शिनाख्त आयना बानो तो नसरीना बानो सिंद रंग करना आमज ये जन जख्मी सपदमितन शख्सन शिनाख्त तौसीब अहमद गाड़ी हूँ ड्राइवर बेगम जौजा तौसीब अहमद तो सफीना बेगम सिंद रंग करने आई यपर पुलसन अम हवाल केस दर्ज कर तहकीकत शुरू करना आमुत। जम्मू कश्मीर में ये 4G इंटरनेट सर्विस पत्मे अक वरी खोत ज्यादा वक्त पे मरकजी सरकार तरफ मुअल कर आमज तो जम्मू कश्मीर हिंदो लूको तरफ इंटरनेट सर्विस बहाल कर मांग कर जम्मू कश्मीर हिंद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 4G सर्विस बहाल कर हवाले कत कान वोनमुत कोर्ट तरफ कमेटी तश्कील दिन आम तो इन वालस वक्त मज जम्मू कश्मीर हिंद लूकन बापत अम हवाल रज खबर तय पाओ चत वरी जुवुस मज तमि वक्त गवर्नर सत्यपाल मलिकन जम्मू कश्मीर हंदिस खसूसी दर्जस हवाले कत कान वोनमुत जम्मू कश्मीर हंदिस खसूसी दर्जस हवाल लूह गुमराह कर कोशिश करने तो जम्मू कश्मीर हंदिस खसूसी दर्जस वात नाह ताहम सपुद अमि यकीन दहनी बावजूद ती यम खदश लूकन अंदर पद सपदम यह कत बावन लायक मनोज सिन्हा सद 4G सर्विस बहाल कर इशार पत जम्मू कश्मीर हंद लूकन मज खुशी वुन ट्रांसफार्म नाम की संस्था जो गांधरबल और उधमपुर में काम कर रही है उससे नौजवानों को बहुत लाभ मिला है और एक उत्साह का वातावरण बना है। तो एक सूचना आपको देता हूं मैं कि वो पूरे यूटी में हम लागू करने जा रहे हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई नौजवान वंचित नहीं रहेगा। दूसरा 4G 2 जिले में ही है, कोर्ट की एक कमेटी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खबर इस दिशा में भी मिलेगी। ट्रांसफार्म नाम की संस्था जो गांधरबल और उधमपुर में काम कर रही है उससे नौजवानों को बहुत लाभ मिला है और एक उत्साह का वातावरण बना है। तो एक सूचना आपको देता हूं मैं कि वो पूरे यूटी में हम लागू करने जा रहे हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई नौजवान वंचित नहीं रहेगा। दूसरा 4G 2 जिले में ही है, कोर्ट की एक कमेटी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खबर इस दिशा में भी मिलेगी। ट्रांसफार्म मनोज सिन्हा अत मौक पे हकरसर जड़पे हवाल कत कान वोनमुत यह मामल हसास मामल तो मामल हवाल बारीकबीनी सान छानबीन कर ये जन तमो वो मामल नजाकत वुचित ना मामल नजाकत वुचित ये अमे हवाल बयान जारी कर। तो मैं चाहता नहीं था कि आज इस तरह के मसलों पर बात करूं, लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर संदेह कहीं होगा तो जरूर जांच कराइए, लेकिन जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव यूटी है, सेंसिटिव स्टेट है, तो फोर्सेस का मनोबल गिराया जाए। मैं समझता हूं कि इस दोनों के फाइन बैलेंस को बराबर ध्यान में रखना होगा और सारे तथ्य हमारे पास आए हैं, मैं खुद विचार कर रहा हूं और समय आने पर आपको उचित जवाब मिलेगा। तो मैं चाहता नहीं था कि आज इस तरह के मसलों पर बात करूं, लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर संदेह कहीं होगा तो जरूर जांच कराइए, लेकिन जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव यूटी है, सेंसिटिव स्टेट है, तो फोर्सेस का मनोबल गिराया जाए। मैं समझता हूं कि इस दोनों के फाइन बैलेंस को बराबर ध्यान में रखना होगा और सारे तथ्य हमारे पास आए हैं, मैं खुद विचार कर रहा हूं और समय आने पर आपको उचित जवाब मिलेगा।
जमिस मे आज इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आमुत ये दौरान जम्मू कशीर हिंद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नई सनस पॉलिसी हवाल कत कर अम सत जम्मू कशीर हिंद मौशी हालत बेहतर सपद तक लच्छ वाद बेरोजगार नौजवान रोजगार तराहम सपद industrial development to the block level and will promote far flung areas of Jammu and Kashmir. The scheme is from the period of date of notification up to the year 2037 with a total outlay of ₹28,400 crore. Will encourage new investment, substantial expansion and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir, employment to more than 4.5 lakh, equitable, balanced and sustainable socio-economic development of the region, manufacturing as well as service sector units in Jammu and Kashmir to benefit. The scheme visualizes larger role of Union Territory of Jammu and Kashmir in Indian economy and development with substantial investment, and I guess it will be more than 20,000 crores. The scheme will optimize utilization of local strength of Jammu and Kashmir. Friends, you all have witnessed that despite global pandemic, the Union Territory has made a remarkable progress in every sector of the economy, along with focus on good governance. The growth of Jammu and Kashmir has been holistic and progressive in infrastructure, that is road, power, water, housing, and investor-friendly policy making and its implementation. I can proudly say that in the last 16 months, Jammu and Kashmir Union Territory, the crown jewel of India, has been transformed into the land of opportunity with forward-looking policy to guarantee prosperity and economic success. New policy has an outlay of historic amount of ₹28,400 crore. After consideration the problems in all the relevant sectors, a simplified scheme with four types of incentives for longer duration is being proposed in the new industrial development scheme 2021 for the Union Territory of Jammu and Kashmir. These four incentives are capital investment incentive, capital interest subvention, goods and service tax limit linked incentive, working capital interest subvention. Friends, total outlay proposed under the new scheme, as I told, is ₹28,400 crore. To support both manufacturing as well as service sector. Units covering a period of next 15 years, the scheme aims to transform Jammu and Kashmir as an aspirational territory by unlocking its potential through convergence and collaboration of industry, wherein the government will be facilitator, partner and collaborator and promoter also. For the purpose of equitable and balanced development, the policy lays a special focus on creation of zones wherein the industrially backward areas will be given topmost priorities and higher incentives. Friends, this is for the first time that any industrial incentive scheme of the Government of India attempts for a balanced industrial growth in the entire Union Territory. This is unique, incomparable, and I would say a very bold move. It targets to generate, as I told, an investment more than 20,000 crores and an employment of 4.5 lakh in due course of time. Hirpura Haran Badgam ke loko tarpu che shikayat bawan vanna amut ze yadwe ताज शीन पेन सत मुकमी वत आमद रफ्त बापत बंद सपज तो मुकमी लूकन सटा मुश्किल वेतन पेवान ताहम चुन इंतजामिया तरफ वत पे शीन तुलने सवाल कदम तुलना आमुत
मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर शीन तुलने सवाल गदम तुलने यन युन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पे बस स्टैंड पारिमपुर श्रीनगर सत वस्त ट्रांसपोर्टर तरफ से शिकायत बवान वन आमुत जोदव इंतजामिया तरफ शहर में वतों पे शीन तुलन दाव कर ताहम चुन बस स्टैंड पारिमपुर कुन इन वाजन वतो पे शीन तुलने आमुत यम कि ट्रांसपोर्टर मुश्किल मज हन आए ट्रांसपोर्टर तरफ से शीन तुलन मांग कर आमुत। हमको यही परेशानी है कि ये जो बर्फबारी हो गई इससे हमारा जो बस स्टैंड है पारिमपुरा बस स्टैंड जर्मन बस स्टैंड है कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है मगर इसकी आप हालत देखें इस वक्त भी बर्फ बराबर जमा है इधर गाड़ियां हमारी सफ़े से हैं हम रोड पर गाड़ियां लाने चाहते हैं गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि छोटी गाड़ियों को इसलाह की जाती है कि वो अपनी गाड़ी में सफ़र ना करिए हम यही चाहते हैं कि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है चाहे इसमें मिनी बस है सोमो है जो भी है वो रोड पर आए और पब्लिक की खदमत कर सके मगर बदकिस्मती की वजह से गेट जो हमारा बंद है गेट बाहर बर्फबारी की वजह से बंद पड़ा है हम यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह हुकाम से जो इधर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे इस्तदा करते हैं कि वो इसको देखें और कम से कम दो तीन मशीनें इधर बस स्टैंड में भेज दें ताकि ये रोड हमारा जो है फसा बंद है ये खुल जाए। कुलगाम कस्बे सत वस्त लूको तरफ से शिकायत बवान वन आमुत जोदव पत्मो चोरों दोह पे इंतजामिया शीन तुलने सवाल मांग कर आई ताहम चुन आज ताम शीन तुलने सवाल कह कदम तुलने आमुत यम कि मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर आमुत शीन तुलने सवाल गजीद कदम तुलने यन युन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर आगही करन के ये रोडन आव शीन तुलन महमूदपुरा रोजान रोडन आव शीन तुलन अम नश गई ना उम्मीद तो बिजली हन कथ बिजली की दूर की बात है बिजली अगर पांचन मिनटन रेस्टोर गए पांच मिनट बाद बी गे पे लोग बेमार ये गामस मज तिंद खतर हे एम्बुलेंस ये पे गलगोम तान ये कि रात डिविजनल कमिश्नर सब उस रात कुलगाम किस दौरस पे कल वो सारी रोड हा कर रेस्टोर अस मगर कहीं रोड गो महमूदपुर गो रोड चौंसर पे महमूदपुर बिही बाग अर नीलो वगैरह कहीं सड़क शन यल सारी शनस मज फसित और खी काडर वगैरह खांडीपोरा कातरसु ये सोरे अलग तरह सा लुक मसूर गरन मज कहीं तो रोड गो रेस्टोर अस गमेंटस अपील कर डी सी साहबस अपील कर सो कर कम जहाद सानि खतर कह तम शुक्र गुजार मगर रात पे सोन नाव कुन तम त्रेस पत्मस खातस मज कर मोदी बाना गुजारिश डी सी साहबस कि ये रोड गोस यून महमूदपुरा कुलगाम रेस्टोर कर बिही बाग वगैरह ये अलग से त्रह यडीपुरा पटनिको लूको तरफ से शिकायत बवान वन आमुत जोदव ताज शीन पेन सत वत बंद तो बिजली निजाम मुतासर सपुद तो मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पे ताहम चुन इंतजामिया तरफ इलाक मज लूकन हिंद मुश्किल दूर करने सवाल कह कदम तुलने आमुत मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर आमुत जत मामलस कुन गोन दिन युन युन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पे सुबह पे वोत कर तहसीलदार फोन मे दस शीन ये गाम अत वत तो बंद अच्छा बनान बचन ना बड़स न फोन सपोर डी साहबस तोन डी साहब वन तुम तहसीलदार साहबस मगर रात पे दिन कह तवजो तुम आज अजन जन ये गाम से तवजो दिवान या वजह से पता क्या आर एन बी सोपोर नहीं बिल्कुल नाव नहीं बहुत बड़े शुक्र गुजार तुम योर तशरीफ अम वजह खुद वह तहसील पटन दुसत गाम सर तहसील पटन दुसतन गामन मज व आ गाम यदीपोरा पलहाल ये शीन आव डोन कह आर एन बी सोपोर सी आर एन बी पटन सटन से अच्छी डोड़ किलोमीटर टोटल सर फर्क तो मगर बदकस्मती पत्मी लटि जुस कुनवास मे पे शीन अस पे पान शीन कर साफ वनकस मौक अस पे सारे गाम शीन वारे गाड़ हाँ नीर कहीं ये पे तुम वे गाड़ में तुम कसा प्रॉब्लम गई पान पान तुझान सर तो अमन गुजारिश कर तो सोचो मशीन शीन गे साफ तहसीलदार पटनस कोर तकरीबन रात पे दह लटि फोन यम चुन कहान गौरे कर कर पार्लियामेंट मेबर महमद अकबर लोन तस तर फोन डी सी साहबस तर फोन बदकस्मती सहित सोन फोन बोजानी और कह कारवाई कर तुंद वसादा तुम अमन तक यहाँ यह कत वाता फूरी तौर कर सोन शीन साफ
एनफ एंड उन्होंने यहाँ पे अभी मशीन जो है वो यहाँ की तरफ डिप्लॉय की है एंड इंशाल्लाह इन सम टाइम विल बोमकुल टंगमरगिंद लूको तरफ से शिकायत बवान वन आमुत यदव ताज शीन पेन सलाक मूक कैयाव रंगों मुश्किल हन आई तो इंतजामिया अमे हवाल जान तराम कर आई ताहम चुन इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करस हवाल कह संजीद कदम तुलना आमुत मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मंग कर आमुत जलाक कुन गोन दिन युन युन लूकन मजीद मुश्किल वतरन पेन दिनों से यहाँ पर बर्फ नहीं हटा गया रोडों से हमें बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे जो भी इलाके में जो भी वोट मुझे लग रहा है वो सब जाया हुए है। वोट आने के बाद भी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया है। कुछ भी सोचे स्टूडेंट के लिए हमें 4 फुट के बर्फ में चलना पड़ता है 9 किलोमीटर दिन बर दिन। ये जो बमकुल है सर तो बिल्कुल बिछड़ा हुआ इलाका है, इसको कोई नहीं पूछता है। तो ये बोल बिछड़ा हुआ इलाका है, कोई देखो आप खुद देख रहे हैं कि ये कितनी बर्फ यहाँ जमा है, तो कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे इस मैं आपको मौतबाना गुजारिश करता हूँ हमारे ये बात और काम एलजी से बचाइए कि हमारा ये काम हो जाए। मुझे बहुत खुशी होगी है कि आप लोग हमारे पास पहुँचे, आपसे बगैर हमारे पास कोई नहीं पहुँचता है। जिस वक्त हमारे नेता लोग आते हैं यहाँ वोट लेने के लिए तो उस वक्त उनको वो बोलते हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अचबल अनता के लूको तरफ से शिकायत बवान वन आमुत जदव ताज शीन पेन सस्बस मज लूकन सटा मुश्किल वतरन पेवान ताहम चुन इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करस हवाल कह कदम तुलना आमुत मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर आमुत जलाक कुन गोन दिन युन युन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। ये जन कोचन हूं हाल कि टाउन एरिया बिल्कुल सही तुम वो बाल अतर से नर् जंग फुटन तो दुम चीज ये तुम वो टाउन एरिया पजे वे जन वफर मकदार तम फंडस जन F-14 तुम खर्च करने तम पजे डोजर अन तम पे ये त्रे वरी चोर वरी पांच वरी गई तक पोसन आमतिस मगर डोजर आव नुन अन कें तो लिहाजा ये सा मेनुअली कर नफर जो लागें सारे अचल से कत मकल शीन मे बसान अगर यम जो नफर लागें ये वरियस मकल शीन कह तो अज कारदगी अमी नाकस तो अत सर एंड वी तिज कारदगी तीन नाकस तो ये वो अचल मार्केट बाजार वो तक वनकस तकत दिख पे सोमो पकन और गो ये जन तुम वो अचवल दफ्तर आर एंड बी अचबल मगर तुम वो तम हेकन अत शीन तुल डोजर लगे अत क जनूबी हंदिस त्राल कन कैयान इलाकन मे ताज शीन पेन सत बंद सपज तो मुकामी लूकन सठा मुश्किल वतरन पेवान तत पन्नर जागीर त्राल को लूको तरफ जती तौर मुकामी वत पे शीन तुलस हवाल कदम तुलना आमित यपर त्राल को कैयाव इलाको पे लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत इन इलाकन मज ग वतो पे शीन तुलने युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। जी पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी, यहाँ पे हमने इंतज़ामिया से अपील भी की थी लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से आज से 1-2 दिन पहले वो बिलडोज़र लाया था लेकिन उसने पूरा काम नहीं किया। फिर हमें सुबह ऐलान करना पड़ा, ऐलान के बावजूद गांवों से बहुत सारे नौजवान निकल आए और जो बुज़ुर्ग भी हमारे थे वो भी निकल आए, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने साफ किया। जिले तरकियाती कमिश्नर अनंत नागन चु आज जिले कैयान इलाकन हूं दौर कर्मुत या दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद ऐस दौरस दौरान ये तिमो पौधे सपदम सूरत हाल जायजा हत तत तिमो अफसर हिदायत दिमित इंतजामिया गि मुतर कर जन मौसमी सूरत हाल दौरान आम लूकन मुश्किल वतरन पेन। अब इनके इंकरेजमेंट के लिए और इनके सपोर्ट के लिए मैं इनके साथ बैठा हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ कि कैसे ये लोग क्लियर कर रहे हैं। देखिए जो हमारे पुरानी के रोड्स हैं वो सारे हो चुके हैं और जो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये सिंगल लेन गवर्नमेंट हो चुका है, इनको फर्दर वार्किंग हम कर रहे हैं और जिस जहाँ जहाँ से हमें जो जो डिमांड आ रही है चाहे Priority 1 की Priority 2 की हो तो वो सारी हम अटेंड कर रहे हैं। मलिकमल शुपियन के लूको तरफ से शिकायत बवान वन आमुत यदव इलाकस मज लूकन चनाब वसाई तमि हवाल कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदार जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वतरन पेवान मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर आमुत अत मामलस कुन गोन दिन युन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वतरन पेन।
कम से कम 13-14 दिनों से हम यहाँ पानी के लिए बहुत परेशान हैं। एक्जन साहब के पास भी हम गए, AEE पास, उसके पास भी गए, तो आज पता नहीं क्या हो रहा है इनको। 15 दिनों से ये खाली यही कह रहे हैं कि सारे हमारे जो मुलाजिम हैं वो ऊपर गए हैं पानी छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ मोहल्ला, पूरा मोहल्ला परेशान है यहाँ पे। अब हम, आप देख रहे हो, हम यहाँ पे खोद रहे हैं, खुद ही खोद रहे हैं, जो मोहल्ले के सारे लोग हैं खोद रहे हैं, सुबह से हम यहाँ पे खोद रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है। मुलाजिम जो भी है यहाँ नहीं आ रहा है, हमें पता ही नहीं है कनेक्शन देना कैसे है, कनेक्शन कौन सा है हमारा, हमें कोई पता नहीं है। मुफ्ती मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैदी सन् बरस हवाल ये PDP तरफ वादी मज तकरीबन सज कर आव त महबूबा मुफ्ती आज तिंदिस मजारस पे हाजिरी दिशम तो अत मौक पे महबूबा मुफ्ती वोनम मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैदन कदम तुलम तिम कदमन हूं नतीजे आज ब्रोह कुन जुदा और आज मुझे लगता है कि हम सबको ये एहसास हो रहा है कि मुफ्ती साहब का जो विजन था, मुफ्ती साहब का जो नजरिया था, मुफ्ती साहब की जो दूर अंदेशी थी, वो काबिल सताइश है। और जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, अगर उन मामलात को हल करने का, अगर जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से, इस तकलीफ से बाहर निकालने का कोई हल है, तो वाहिद वही है जो मुफ्ती साहब कहते थे, गरनेर से ना गोली से बात बनेगी गोली से। PDP तरफ आज श्रीनगर किस हेडक्वाटर्स पे तजती मजलिस सज कर आमुत यहां पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौक पे ये मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैद जबरदस्त अल्फाज मज खराज पेश कर आव तिज सियासी खदमत तशन आम ये जन अत मौक पे पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ अहद कर आव मरहूम सुन मिशन ब्रो पकना बापत यी चुक सान काम कर का अहद किया गया है कि मुफ्ती साहब का जो विजन है, जो उसकी सोच है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उसे पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जिले शुपियन से तौलक थान वाले पार्टी तौलक थान वाले नव मुंतखब DC मेंबर ये आज मुफ्ती मोहम्मद सैद सरसी हिंदिस मौक पे मुनद तकरीब में शिरकत करन वाले ताहम चुन तिम फोर्सेज एहलकारों तरफ इजाजत दिन आमुत राजा वहीदन अमे हवाल कत कान वोनमुत यदवे इंतजामिया तरफ जम्मू कशीर में जमूरियत बहाल कर बड़ दाव कर ताहम चुन लूकन नुमाइंदन घर नबर गु इजाजत दिन ये लूकन मज तशवीश पैद सपुद हम तो PCR को आज 10 दिन से कह रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों को कह रहे हैं कि आज हमारे ये लीडर की बरसी है, एनिवर्सरी है हमारे लीडर की, तो हम जाना चाहते हैं, हमने कल भी इनको कहा है, आज सर, भी कह रहे हैं। ऊपर से अगर आदेश आएगा सर, उसके बाद हम छोड़ सकते हैं आपको। अच्छा, ऐसे नहीं छोड़ सकते सर, गेट से बाहर। चलिए ठीक है, ये आदेश हम देखते हैं, ये मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव हम पब्लिक के हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हमें चुना गया है और आज इतनी मुश्किल है लोगों की। वतरगाम रफी आबाद मज आज PDP तरफ तजती मजलिस सज कर आमुत यहां पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौक पे ये मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैद खराज पेश कर आव तु वर्करन पे जोर दिन आमुत तम ग मरहूम सुंद मिशन ब्रोह पकन मज चुक सान काम कर यपर आज कुलगमस मज PDP तरफ तजती मजलिस सज कर आमुत यहां पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर तक मजलिस दौरान मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैद जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आओ। टाउन हॉल कपवरस मज आज PDP पार्टी तरफ तजती मजलिस सज कर आमुत यहां पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौक पे ये मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैद खराज पेश कर आव तु वन आमुत मरहूम सुंद मिशन ब्रो पकन हवाल पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ चुक सान काम कर मुफ्ती साहब की जो पाँचवीं बरसी थी उसका प्रोग्राम किया, क्योंकि मौसम जो पिछले 2-3 दिन में यहाँ पे बर्फबारी हुई, उसके बावजूद हमारे जितने भी कारकुन थे वो यहाँ पे आए और अपने लीडर को राज्य की तरफ किया, तो इसके साथ ही जो मैं ये तनाजरीन इस खबरनामा दी इजाज़त खुदा सवाल।